दोस्तों, कहा जाता है कि तस्वीरें इंसान की जिंदगी को और उससे जुड़ी यादों को फैलाव देने का काम करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई जिंदगी तस्वीरों में ही सिमट कर रह जाए तो उस जिंदगी का रंग रूप कैसा होगा? वो जिंदगी कैसी होगी जिसकी कहानी हम चंद तस्वीरों को सामने रखकर बता सकते हैं? तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसी ही खूबसूरत अदाकारा की बात करने वाले हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में शोहरत उस दर्जे की नसीब हुई जिसे किसी पैमाने पर तौल पाना मुश्किल है। लेकिन आज वह हीरोइन महज कुछ तस्वीरों में सिमट कर रह गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। 30 जुलाई 1963 को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में जन्मी मंदाकिनी का असली नाम यास्मीन जोसेफ है। मंदाकिनी के पिता जोसेफ एक ब्रिटिशर थे और माँ का ताल्लुक इस्लाम धर्म से था। मंदाकिनी की नीली आँखें और चेहरे की मासूमियत के चलते इन्हें बहुत छोटी उम्र में ही फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया था। लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं था। फिल्म मजलूम से पहले मंदाकिनी को 3 फिल्म निर्माताओं द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसका सबसे बड़ा कारण था इनका नाम, जो उस समय की हिंदी फिल्मों के लिए सटीक नहीं था। इसलिए जब इन्होंने फिल्म मजलूम में काम करने की इच्छा जताई तो फिल्म के प्रोड्यूसर रणजीत बिरके ने इनका नाम बदलकर पहले माधुरी और फिर मंदाकिनी रख दिया। मंदाकिनी जब अपनी पहली फिल्म मजलूम में काम कर रही थी उस दौरान महान फिल्म मेकर राज कपूर की नजर इन पर पड़ी, जो फिल्म राम तेरी गंगा मैली से अपने सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे। राम तेरी गंगा मैली के लिए सबसे पहली पसंद डिंपल कपाड़िया थी, जो अपनी पहली फिल्म बॉबी से फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना चेहरा बन चुकी थी। लेकिन डिंपल कपाड़िया एक पहाड़ी लड़की के किरदार में फिट नहीं बैठ रही थी और इसलिए राज कपूर ने जब मंदाकिनी को देखा तो वो भोला भाला चेहरा उन्हें अपनी फिल्म के लिए सही लगा और इस तरह मंदाकिनी को अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म मिल गई। राम तेरी गंगा मैली फिल्म रिलीज हुई और मंदाकिनी रातों रात एक सुपरस्टार बन गई। फिर बात चाहे इनकी मासूमियत की हो या फिर इस फिल्म में दिए गए इनके कुछ बोल्ड सीन्स की, मंदाकिनी की हर चीज दर्शकों के लिए इस फिल्म का केंद्र बन गई थी। हालांकि इस फिल्म के कई दृश्यों के लिए राज कपूर और मंदाकिनी को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था, जिसमें झरने वाला दृश्य भी शामिल है। लेकिन कारण चाहे कुछ भी हो, मगर मंदाकिनी इस फिल्म से बॉलीवुड का एक बड़ा नाम बन चुकी थी। राजीव कपूर को लॉन्च करने के लिए बनाई गई इस फिल्म से मंदाकिनी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी प्राप्त हुआ था। इसके बाद मंदाकिनी को कई बड़े अभिनेताओं के साथ मुख्य भूमिकाओं में फिल्मी पर्दे पर देखा गया, जिसमें साल 1987 में आई फिल्म डांस डांस में मिथुन चक्रवर्ती, 1989 में आई कहां है कानून में आदित्य पांचोली और प्यार करके देखो में गोविंदा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। मंदाकिनी को 1987 में रिलीज हुई फिल्म लोहा और 1986 की फिल्म आग और शोला में भी देखा गया था, जिसमें कई बड़े अभिनेताओं ने काम किया था। लेकिन कोई भी फिल्म वो सफलता हासिल नहीं कर पाई जो मंदाकिनी की पहली फिल्म ने हासिल की थी। धीरे धीरे फिल्म निर्माताओं के जहन से भी मंदाकिनी की वो छवि दूर होने लगी जो उन्होंने राम तेरी गंगा मैली में देखी थी और इसलिए इन्हें तेजाब जैसी फिल्मों में छोटे छोटे किरदार मिलने लगे थे। मंदाकिनी ने कुछ तेलुगु फिल्मों में भी काम किया था, जिसमें सिम्हासनम और भार्गव रामुदु शामिल हैं। इसके अलावा मंदाकिनी साल 1990 में मिथुन की बंगाली फिल्म अंधा विचार में एक स्पेशल अपीयरेंस में भी नजर आई थी। कमांडो और तकदीर का तमाशा जैसी कुछ फिल्मों में मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाली मंदाकिनी के करियर को साल 1994 में सामने आई कुछ तस्वीरों ने खत्म कर दिया था। इन तस्वीरों में भारत का सबसे बड़ा भगोड़ा दाऊद इब्राहिम दिखाई दे रहा था और उसके साथ मंदाकिनी बैठी हुई थी। इसके बाद लोगों का नजरिया मंदाकिनी के लिए बिल्कुल बदल गया। उनके बारे में कई तरह की बातें होने लगी, जिनमें से कुछ लोगों द्वारा कहा गया कि मंदाकिनी दाऊद इब्राहिम की गर्लफ्रेंड हैं, तो कुछ ने कहा कि मंदाकिनी ने दुबई जाकर दाऊद से शादी कर ली है। फिल्मी गलियारों में ये खबरें भी उड़ने लगी कि दाऊद के कहने पर ही बहुत सी फिल्मों में मंदाकिनी को हीरोइन के तौर पर लिया गया था, जिसमें राम तेरी गंगा मैली भी शामिल है। इस फिल्म के बारे में कहा गया कि इस फिल्म में डिंपल कपाड़िया को छोड़कर मंदाकिनी को दाऊद के कहने पर कास्ट किया गया था। कुछ तस्वीरों और खबरों ने मंदाकिनी के करियर की रफ्तार को एकदम खत्म कर दिया था, जिसके चलते साल 1996 में आई फिल्म जोरदार के बाद यह अदाकारा फिल्मी दुनिया से गायब हो गई थी। मंदाकिनी ने कुछ समय बाद वापसी करने की भी कोशिश की, जिसके लिए इन्होंने म्यूजिक एल्बम का सहारा लिया और नो वैकेंसी और संबाला जैसे दो एल्बम निकाले, लेकिन कोई भी रास्ता इन्हें बॉलीवुड फिल्मों में नहीं ला पाया। बात करें इनकी निजी जिंदगी के बारे में तो मंदाकिनी की शादी 1990 में पूर्व बौद्धिस्ट मॉन्क डॉक्टर कग्यूर रिनपोचे ठाकुर से हुई थी, जिनसे आज मंदाकिनी दो बच्चों की माँ हैं, जिसमें बेटे का नाम राबिल और बेटी का नाम
राबजे इनाया है। 2005 में एक इंटरव्यू के दौरान मंदाकिनी ने अपने करियर और कॉन्ट्रोवर्सीज पर बात करते हुए कहा था कि जिन खबरों के चलते उनका करियर बर्बाद हुआ था उसमें लेश मात्र भी सच्चाई नहीं थी। दाऊद से उनकी मुलाकात दुबई में स्टेज शो के दौरान एक फिल्म अभिनेत्री और एक फैन की तरह हुई थी। हम दोनों में रिश्ते और संबंधों जैसा कुछ भी नहीं था। मंदाकिनी फिलहाल दलाई लामा की एक अनुयायी के तौर पर अपने पति के साथ मुंबई में तिब्बती योगा क्लासेस और तिब्बती मेडिसिन सेंटर संभालती हैं। अपनी पहली फिल्म से ही अपनी मासूमियत से सबको अपना दीवाना बना देने वाली मंदाकिनी की पूरी जिंदगी को अगर कुछ तस्वीरों में समेटने की कोशिश करें तो राम तेरी गंगा मैली में सफेद साड़ी में लिपटी मंदाकिनी जहां सभी के दिलों में अपनी जगह बना चुकी थी, तो ही एक क्रिकेट मैच के दौरान दाऊद के साथ उनकी तस्वीर ने इस अदाकारा को हर भारतीय की नजरों में गिरा दिया। और बात करें आज के समय की तो 22 साल की वो खूबसूरत हीरोइन आज 58 साल की हो गई है, जहां उन्हें पहचान पाना भी कभी कभी मुश्किल जान पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें नारद टीवी के साथ। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।